अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का व्लॉग हमारा रेगुलर व्लॉग होने वाला है। कल है जी हमारे घर डिनर और हमारे घर में दावत है, तो मैंने जो निंजा फूडी लिया था वो मैं सोच रही थी कि आज खोलूं, मैनुअल वगैरह पढ़ो उसका। और तो निंजा जो फूडी है ना, उसका इफ्तिताह करेंगे आज और मैं उसको खोलती हूँ, मैं अनबॉक्सिंग उसकी हाँ अहमद के साथ। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल है उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें आप। Smash it. And वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। FBI open that. फूडी एक्सल साइज का है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं इसको आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है और ये कैसा है। तो अहमद अनबॉक्सिंग करेगा और मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग क्लोज तरीके से अच्छे तरीके से मैं दिखा दूँ। उठा सकोगे? इसके अंदर कुछ है? नथिंग। उठा सकोगे? ठहर जाओ। वेट वेट, कैन आई डू द टॉप? चलो ठीक है, आ जाओ। So it says that this can fit a whole entire chicken in it. I think yes, a whole chicken. I don't think so. Yes. They're false advertising. But still, they are too big. Yeah, but they're kind of false advertising. लेकिन काफी बड़े इनके जो दो हैं ना. Yeah. What is here? यहाँ पे क्या है? Oh. ये इसका मैनुअल है, ये इसके साथ क्विक स्टार्ट गाइड। ओह लुक, इट सेज प्रोब। और ये इसके ट्रेज है ना, इसके ये ट्रे। आई डोंट रियली थिंक सो। आप इनको डिशवॉशर सेफ है, आप डिशवॉशर में निकाल के। आई डोंट रियली थिंक सो यू कैन पुट अ होल एंटायर चिकन इन। हां, पूरी चिकन नहीं आ सकती इसमें, बट स्टिल इट्स क्वाइट बिग। हां, आप एक साइड पे चिकन रख दो, एक साइड पे वेजिटेबल्स या फ्राइज। नो, बट लाइक This cannot fit a chicken. यहाँ मैं दोपहर में बच्चों के लिए चीज़ स्टेक बर्गर बना रही हूँ, और जो बहुत ही मज़ेदार और क्विक रेसिपी है इसकी, और ये झट से बन जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पे दो शिमला मिर्च जूलियन काट ली और अनियन काट के उनको इनको हल्का सा सर फ्राई कर लिया। और आपने बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, आप अगर चाहें तो इसमें हल्का सा गार्लिक भी पेस्ट डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इनको साइड पे करके इसी ऑयल में मैंने बीफ को फ्राई किया, उसमें हल्की सी नमक और काले मिर्च डाल के आपने उसको फ्राई करना है तकरीबन 6 to 7 minutes। अगर आप चाहें तो इसको 10 मिनट तक भी पका सकते हैं। जब हमारा मीट अच्छी तरीके से पक जाएगा तो ये जो प्रोवोलोन चीज़ होती है ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी, तो ये बेसिकली स्टेक के लिए चीज़ होती है स्पेशली। तो इसके जो स्लाइसेस होते हैं ना, ये आपने मीट के ऊपर डाल के और 5 मिनट के लिए मीट को दम देना होता है। तो जब ये हल्की आंच पे इसको दम देते हैं तो पूरी चीज़ मेल्ट हो जाती है, आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना। तो ये है चीज़, मैंने कहा आपको ज़रा डिटेल में उसको दिखा दूँ, इस तरह के इसके स्लाइसेस आते हैं। तो जो आप अपनी पसंद के हिसाब से, अगर आपने ज़्यादा चीज़ चाहिए तो आप 6-7 स्लाइसेस डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 4 स्लाइसेस डाले हैं। देखिए, ये मेल्ट हो गया, अब मैं इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद जो मेरी जो स्टर फ्राई की थी वेजिटेबल वो मैं इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैंने इस तरह के ये बंस लिए हैं, आप किसी भी शेप के बंस ले सकते हैं, उनके अंदर इनकी फिलिंग कर लें और ये बहुत ही मज़ेदार स्टेक बर्गर बनते हैं। ट्राई करके बताओ कैसा बना है। मैंने हाफ कर दिया ताकि आप इजीली खा सको। कैसा है? रियली गुड, इट्स अमेजिंग, ऑनेस्टली टेस्ट लाइक द बाहर का बर्गर। हाँ, अहमद आपको भी बना दूँ?
यहाँ मैंने अपने डाइनिंग टेबल के लिए बार चेयर ऑर्डर्स की थी तो वो पहुँच गई थी, तो हम यहाँ उनके असेंबली कर रहे हैं। तो पहली चेयर तो मैंने असेंबल की, उसके बाद सारा और अहमद दोनों मेरे साथ लग गए और उनको भी इतना ज़्यादा शौक हो रहा था और ये असेंबली करना इतना आसान था ना कि दोनों ने मेरे साथ मिल के सारी चेयर्स असेंबल कर दी एक ही दिन के अंदर अंदर, क्योंकि मुझे हो रहा था कि कल डिनर है और आज मुझे ये फर्नीचर भी असेंबल करना है, क्लीनिंग भी करनी है, तो मेरे लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था काम, लेकिन दोनों बच्चों ने मेरे इतना आसान कर दिया ना। और तकरीबन 3 घंटे के अंदर हमने सारी चेयर्स जो है ना असेंबल कर ली हैं। मैंने तकरीबन 6 चेयर्स ऑर्डर की थी तो 6 की 6 हमने जो है ना 3 घंटे के अंदर असेंबल कर ली। और देखें ये चेयर्स हैं, ये बहुत ही मुझे अच्छी मिल गई मेसी से, ये मैंने ऑर्डर की थी। इसके अलावा मैंने अमेज़ॉन से इनके लिए वाटरप्रूफ जो है ना कवर भी ऑर्डर कर दिए थे, तो वाइट वो भी मेरे पहुंच गए थे लकीली टाइम पे। तो ये देखिए मैं आपको चढ़ा के दिखाऊंगी, ये इतने अच्छे वाटरप्रूफ कवर्स हैं ना कि इनके ऊपर कोई भी स्पिल अगर जूस वगैरह या सोडा वगैरह स्पिल कर जाता है तो ये होता है कि कम से कम नीचे स्टेन नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लाइट कलर्स बहुत पसंद है। तो आप देख रहे होंगे मेरी पहली वाली चेयर्स भी लाइट कलर है, मेरा लाउंज का फर्नीचर भी लाइट कलर का है, तो इसीलिए मैंने फिर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके लिए कवर ले लिया। मुझे बहुत अच्छे लगे हैं ये कवर्स, तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इनका लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो ये बार स्टूल या सिंपल चेयर या सोफ़ा चेयर्स हर साइज में और हर कलर में ये कवर्स अवेलेबल हैं अमेज़ॉन से। थैंक यू फॉर हेल्पिंग, सारा ने सारे फिक्स किए हैं। Yes, it's the Santa guy. What Santa? Oh, Santa. See, Santa वाला ट्रक गुजर रहा है बाहर। जल्दी से खोल के देखते हैं। वही बहुत ठंड है आज अंदर। How did you just notice that? इसलिए ठंड है। So what are you doing? कोरमा बन रहा है। तकरीबन रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखो मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ। But that's only water. हाँ तो ये चावलों को भिगाऊंगी तो ये बन जाएगा ना 2 मिनट। What's that? इसमें बस चीजें हैं, चिकन कढ़ाई है, कीमा है, चिकन टिक्का है और बहुत सारी चीजें हैं। क्लोज, क्योंकि जब ये मेहमान आएंगे तो मैं गर्म करूंगी। हाँ लेकिन इतना क्लोज अप नहीं लेते ना, ठीक है। मेरी बेटी तैयार होके अच्छी लग रही है। ये क्या खरगोशों की तरह फेस में सीधा तो पकड़ो, हिले ना मेरा कैमरा, मैं बता रही हूँ। यस, वीडियो शेयर करनी चाहिए, अच्छी वीडियोस बननी चाहिए। I have the least steadiest hand in the world. Okay. Mm-hmm. Oh my god, I just have nothing of your head. Oh, and I can see all the trash in the background. Like a Planet Fitness. You taste something. Yes, taste karna padta. You have to taste it from the spoon. Hai haath hi jal gaya mera. Mom, just do this. Take the spoon and then try it. Okay. I think korma is ready. ये थोड़ा सा और पक जाए तो मैं इसकी ग्रेवी जरा कम। I think it looks good. It looks good. It looks good. It looks good. You look like an ant though. Ant? Yes, so small. Mama. So ant. And what's this, mom? ये सलाद ready हो गया। But that does not look like a salad. It's a salad. It looks more like a bunch of things to add on top of your food. बाकी मैंने brown प्याज करके रखे हैं, धनिया काट के रखा है, जब ready हो। मत लानी। ये मेरा बिरयानी का chicken ready है। Can I have some? I love the biryani ki chicken. जब बिरयानी बनेगी ना अभी 5-10 मिनट से बन जाएगी। I like my I like the best thing in your biryani is actually the chicken. Chicken is the best. It's perfectly seasoned. It's better than your barbecue. Even though it's still a very spicy, good barbecue, it's just you know, it's just the same recipe over and over again. And I'm not sick of that ever. It's so good, so dang good. ये देखिए मेरी फाइनली जो चेयर्स है ना सर रेडी हो चुकी हैं, उन पर कवर्स भी चढ़ चुके हैं और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है ना। एक तो कंफर्टेबल बहुत है, क्योंकि मुझे बार स्टूल से ज़्यादा बार चेयर पसंद है जिनमें आप टेक लगा सकें, जिसकी बैक हो।
तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और मुझे बहुत ही इनके जो कवर्स हैं ना वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके जो मेरी ये बार्क कवर्स हैं ना ये कैसे लगे हैं। सो मेरा डिनर वगैरह सब मैंने रेडी कर दिया था और अब हम बस गेस्ट का वेट कर रहे थे। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि मेरी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आपकी अप्रिसिएशन से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, इनक्रेजमेंट मिलती है और मैं दिल करता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।